पूरा अखबार भरिया पड़िया से महंगाई, अपराध, लूटपाट, बड़ी लड़ाई लड़कया सरकार बनाई थी, हरिया भी उसी लेकड़ी जिसी पास ली थी। ठीक कैसे भाई, इनने भी दे रखी सब ताई छूट, चाहे कोई कितनी मचाओ लूट, पर आपा करा भी के विपक्ष से ना बोलता दिखता। एक का मानस से मैं माड़ा बलराज कुंडू जो इनके खिलाफ आवाज ठाण लाग रहा से। अरे पर वो तो एकला से है। ना 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 ना, ई भी एकला कौन है, ई बलराज कुंडू ने मारी लड़ाई लड़न खातिर एक मंच बनाया से, जन सेवक मंच। या तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो लोग उसके बारे में ठीक कैसे हैं, जो नेता नहीं यो से भाई और बेटा, शासक नहीं यो से जन सेवक है। हाँ पर ई बलराज भाई ने एकला नहीं छोड़ांगे, उसकी गैल लगांगे, बोले तू मेरे साथ में और यो ले जन सेवक मंच का झंडा हाथ में। जन सेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है यार, किस किस ने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज, राजनीति में हुआ अनूठा एक नया आगाज, कुंडू का जन सेवक मंच बना जन जन की आवाज। राजे रजवाड़े तो गए पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें सौ सौ करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता है। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 7834-800-800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए। ये मंच ही नहीं हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।